सब्सक्राइब कीजिए इज इट टू कुक चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन का बटन लेटेस्ट रेसिपी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, इज इट टू कुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्रिसमस बिल्कुल पास में है, तो क्यों ना आज हम चॉकलेट से कुछ ऐसा बनाए जो हम सबका फेवरेट हो जाए। आज हम बनाएंगे स्टफ चॉकलेट बॉल्स, और यहाँ पर हमने ले लिया है ओरियो के चॉकलेट वाले बिस्किट्स, और लगभग ये 10 से 12 बिस्किट्स है। इन बिस्किट्स को हम सबसे पहले मिक्सी में डालकर बिल्कुल पाउडर बना लेंगे। बिस्किट का हमने यहाँ पर पाउडर बना लिया है। अब इस पाउडर में हम एक चम्मच नटेला डाल देंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नटेला डालने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसका एक डो बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका एक स्मूथ सा डो बना लिया है। अब हम इस डो को छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। और एक और बात, अगर आपके पास नटेला नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिना नटेला के भी दूध से ही इसका डो बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बॉल बना लिया है। और बॉल बनाने के बाद आप थंब से इसको इस तरीके से प्रेस कीजिए, इस तरीके से इसकी एक कटोरी सी बना लेंगे। और इसके अंदर हम ये रोस्टेड आलमंड है जिसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया था, ये डाल देंगे। दो किशमिश भी डाल देंगे और इसको अब हम बंद कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा फाइनली ये बॉल बनकर रेडी हो गया है। इसके अंदर हमने आलमंड और रेजिन्स को फिल कर दिया है। इसी तरीके से बाकी बचे हुए बॉल भी हम तैयार कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर चारों बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं, और अब हम इनको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। और इतने हमारे चॉकलेट बॉल सेट होंगे, इतने हम डबल बॉयलर पे अपने चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। यहाँ हमने एक पैन में लगभग पौना ग्लास पानी डाल लिया है और उसको हमने बॉइल कर लिया है। गैस की फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इस तरीके का एक बॉल हम इसके ऊपर रख देंगे, और हमारी ये 100 ग्राम डार्क चॉकलेट है इसको हम मेल्ट कर लेंगे। बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और ध्यान से आपको ये प्रोसेस करना है। और चॉकलेट आप जिस भी बर्तन में डाल रहे हैं उस बर्तन में एक भी ड्रॉप पानी नहीं होनी चाहिए। अगर पानी होगा तो आपकी चॉकलेट खराब हो जाएगी और आपके बॉल्स नहीं बन पाएंगे। यहाँ हमने फ्रेंड्स डार्क चॉकलेट यूज की है, अगर आप चाहें तो व्हाइट चॉकलेट का भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गई है, थोड़ी सी और मेल्ट करेंगे इसको। जो आपने ये बॉल अपना रखा है चॉकलेट मेल्ट करने के लिए, बस उसको टाइटली होल्ड जरूर कीजिएगा। ये देखिए हमारी चॉकलेट मेल्ट हो गई है, गैस को हम बंद कर देंगे और ये बॉल हम अलग रख लेंगे। चॉकलेट को मेल्ट करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा बीट करना है इस तरीके से, बस थोड़ी सी देर के लिए ही। इसकी कंसिस्टेंसी जब इस तरीके की आ जाए तब हम बीट करना छोड़ देंगे, और अब हम अपने बॉल्स भी बाहर निकाल देते हैं। अब हम इस मेल्टेड चॉकलेट में अपना ये बॉल इसको इस तरह से डालेंगे और इसको चॉकलेट में बिल्कुल अच्छे से कोट कर देंगे। और इसके बाद फॉर्क से हम इसको निकालेंगे इस तरीके से और थोड़ा टैप कर लेंगे जिससे कि एक्स्ट्रा चॉकलेट इसमें से निकल जाएगी। ये देखिए हमने अपने ये चॉकलेट में भी इसको अच्छे से कोट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे ये स्प्रिंकल्स। ये स्प्रिंकल्स इजीली मार्केट में मिल जाते हैं, अलग अलग तरीके के स्प्रिंकल्स मिलते हैं। ये हमने यहाँ पे कलरफुल स्प्रिंकल्स डाले हैं। अब हम डाल रहे हैं ये चॉकलेट वाले, थोड़ी सी डालेंगे हम सिल्वर बॉल। तो बनके तैयार हो गए हमारे स्टफ चॉकलेट बॉल्स, और आपने देखा इसको बनाना बहुत आसान है, जल्दी से बन जाता है। आप इसको जरूर से ट्राई कीजिएगा क्रिसमस पर, और आपको ये कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। और साथ ही इजी टू कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।